इस आपदा ने, ये जो कोरोना महामारी की आपदा आई है हम इंसानों के बीच, आज आपके आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस आपदा को एक साथ सामना कर रहा है। और ये आपदा चली जाएगी एक दिन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त भी, बुरा वक्त भी टल जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी का एक्सटेंशन ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात ये करेंगे कि आज जो माहौल चल रहा है, नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं और कुछ लोगों के पास ऐसे जॉब्स हैं जो वो अपना घर चला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, मैं उनका दर्द अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। लेनदारों की संख्या ज़्यादा हो गई है और देने वाले लोग, परचेज करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, और ऐसे में परेशान होना लाजमी है। एक तरफ जान का खतरा है और एक तरफ जहान का खतरा है। दोस्तों, मैं आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि दुनिया का ऐसा कोई भी मर्ज नहीं है जिसका इलाज ना हो। इसका भी इलाज आ जाएगा एक ना एक दिन, और वैक्सीन के रूप में आज हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आ चुका है, बस सही वक्त की देर है, वो वैक्सीन हम लोग लगेगा और हम लोग सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। ये वक्त टलेगा, ज़रूर टलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहता हूँ कि कितने भी निगेटिव विचार आए आपके, आप कुछ चाहकर भी ऐसा गलत कदम मत उठा लेना जिससे बाद में आपको पछतावा हो। मैं बात बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ कि ये इस माहौल में अच्छे अच्छे लोग टूट चुके हैं, अच्छे अच्छे लोगों का मानसिक बल गिर चुका है, लेकिन दोस्तों ईश्वर पे भरोसा रखें। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चली है, वो परम पिता हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इतना ज़रूर मान लें कि ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी मर्जी से हो रही है। क्यों हो रही हैं, मेरी उतनी अकल नहीं है, मेरी उतनी सोच नहीं है कि मैं ईश्वर की बुद्धि को समझ पाऊँ, बट ये ज़रूर है ये सब चीज़ उनकी मर्जी से हो रहा है। ये वक्त टलेगा और हम लोग जेनेटिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और एक इंसान के रूप में बहुत विकसित होंगे इस महामारी के बाद। तो दोस्तों, अपना संयम ना खोएं, किसी तरह अपना संयम बना के रखें, किसी तरह ये बुरा वक्त टाल लें। अगर आप किसी भी कर्जे में चले गए हों या किसी भी तरह की बेचैनी हो आपको, किसी तरह ये समय निकाल लें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रख, रास्ते निकल आएंगे, कुछ ना कुछ रास्ते निकल आएंगे इस महामारी के बाद। तब तक के लिए अपने आप को संभाल के रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।